हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माय नेम इज हिना टक्कर और आज हम क्लास 12th का अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, फंडामेंटल्स। यानी कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, जो कि चैप्टर का नाम है। बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर बच्चों को लगता है, पर इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस बेसिक चीजें आप लोगों को बताऊंगी कम से कम टाइम के अंदर। और जो बहुत सारे बच्चे पीएनएल तो सीख लेते हैं, बट उसकी जैसी एडजस्टमेंट आती है ना, क्या प्लस माइनस करना है, उसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कम से कम टाइम के अंदर। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मोटिवेशन बना रहता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप का मतलब ही क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग जब मिल जाते हैं और बिजनेस करते हैं और अपने प्रॉफिट्स को इक्वल बांटते हैं, या फिर जिस रेशियो में उन्होंने डिसाइड किया उसमें बांटते हैं, तो वो क्या होता है, हमारी पार्टनरशिप कहलाती है। तो पार्टनरशिप का एक्ट कौन सा था जिसने ये डिफाइन को बताया, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, सेक्शन नंबर 4 है। तो आप सेक्शन प्लीज याद रखें, सेक्शन नंबर 4 है। उसके बाद बात करते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाते जाएं, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएंगे। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस पेपर और कुछ भी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, बिना किसी दिक्कत के टेलीग्राम ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पार्टनरशिप डीड का मतलब आपको अभी बताया कि बेसिकली क्या होता है, कैसा एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर बताया जाता है हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन होती है, कितने पार्टनर हैं, उनका नाम क्या है, उनकी फर्म का नाम है, नाम क्या है, और उनकी जो फर्म है उसकी प्लेस क्या है, कितनी कैपिटल लगा रहा है, प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, डिस्प्यूट होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सारी चीजें पार्टनरशिप डीड के अंदर सब कुछ मेंशन होती है। देखो पार्टनरशिप डीड जो होती है एक डॉक्यूमेंट है बेसिकली, जो कि कंपल्सरी नहीं होता, बट अगर आप पार्टनर्स बनवा लेते हैं, इस एग्रीमेंट को कर लेते हैं, पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, तो उनको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं आती क्योंकि हर चीज रिटर्न में लिखी होती है। अब बात आती है पार्टनरशिप डीड है तो क्या चीज अप्लाई होंगी, और जो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो मैंने बिल्कुल छोटा करके ही लिखा है ताकि आप लोगों को डिटेल में ना जाना पड़े, काम काम की बात आप लोग कम टाइम के अंदर समझ लें। तो सबसे पहले पार्टनरशिप डीड अगर है, बनवाई है, तो डॉक्यूमेंट के अंदर सब कुछ मेंशन होगा अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन, कि सारी टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी उस पेपर में लिखी होंगी तो वैसे ही पार्टनर को माननी पड़ेगी। नेक्स्ट है कि जब पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, यानी कि आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, या फिर मिल जाए पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, इस तरीके से कुछ दिखता है आप लोगों को, यानी पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, बनवाई ही नहीं है, तो उस केस के अंदर जो पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा वो इक्वल बांटेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को बराबर हिस्से में बांटेंगे, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा वो उनको 6% पर एनम के हिसाब से मिल जाएगा। ये चीज बस आपको याद रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन लोन और प्रॉफिट एंड लॉसेस ही मिलेंगे, उसके अलावा एक भी चीज नहीं मिलेगी। यहीं पे मैं आपको सारी चीजें बता दूंगी, इससे रिलेटेड आपको टीएस गिरवाल में डीके कोरी में इलस्ट्रेशंस मिलेंगी जो कि इसी से रिलेटेड है, आने को वो आ सकती है, बट मैं आपको एक ही में सब बता दूंगी, उससे आपकी सारी इलस्ट्रेशंस हो जाएंगी, आपका टाइम बच जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ राम और श्याम का। राम और श्याम दो पार्टनर्स हैं, क्लियर है, और इनके साथ में एक पार्टनर और है जिसका नाम है सीमा, ठीक है। ये तीन जने हैं, राम, श्याम और सीमा, तीन पार्टनर्स हैं, इनके बीच में डील हुई है, ये लोग अच्छी खासी पार्टनरशिप को चला रहे हैं, और थोड़े दिनों बाद जाके होता क्या है कि जो सीमा है वो बहुत ज्यादा वर्क कर रही है, काम ज्यादा कर रही है, तो वो कहती है कि मुझे सैलरी दो, पर मंथ की सैलरी वो 25,000 रुपीज मांग रही है, तो क्या उसको वो सैलरी मिलेगी। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो ना तो कोई सैलरी मिलेगी, ना ही कोई कमीशन मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉसेस भी इक्वल मिलेंगे। अगर कोई पार्टनर बोल देता है कि जो प्रॉफिट जो हुआ है उसका मुझे इतना परसेंट चाहिए, तो भी उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जब डेट नहीं होगी तो किसी की कुछ नहीं चलने वाली। सिर्फ और सिर्फ दो ही बातें अप्लाई होंगी जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने बताई है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल बनेगी और इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है। देखो ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है जो आपको अच्छे से समझ आने चाहिए, अगर आपको ये छोटे छोटे टर्म नहीं समझ में आएंगे ना तो क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत आने वाली, तो इसलिए प्लीज इसको ध्यान से समझे। इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब है सपोज फर्म को पैसे की जरूरत पड़ गई, तो फर्म ने बाहर से पैसा ले लिया। अगर वो बाहर से पैसा लेते हैं यानी कि लोन लेते हैं, तो जो कोई भी अगर लोन
लेता है, अगर मैं भी किसी बैंक से लोन लेती हूँ तो मुझे भी क्या करना होता है, इंटरेस्ट देना होता है। सेम वैसा ही है, फॉर एग्जाम्पल फर्म है और बाहर का कोई आउटसाइडर है, फॉर एग्जाम्पल बैंक है या कोई और पर्सन है, तो फर्म ने जब बैंक से पैसा लिया है तो फर्म क्या करेगी, पैसा देगी यानी कि इंटरेस्ट देगी। तो वो जो इंटरेस्ट होगा वो किस पे देगी, इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी लोन पे जो इंटरेस्ट चुका रही है फर्म बाहर वाले पर्सन को, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो डिसाइडेड होगा कितने परसेंट से देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये पार्टनर है और ये फर्म है, अब फर्म ने पार्टनर से ही लोन ले लिया है, तो जो पार्टनर होगा वो फर्म से कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करेगा, 6% के हिसाब से। आई होप आपको क्लियर है कि किस किस तरीके से डील होती है। फर्म पार्टनर से भी ले सकता है, पार्टनर फर्म से भी ले सकती है, फर्म बाहर से भी ले सकती है। तो वही सब क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन होता है कि लोन पर कितना इंटरेस्ट देना है, तो वही चीज होती है। तो बस दो ही चीजें मिलेगी या पार्टनरशिप डीड नहीं होगी। मैंने सारी की सारी रजिस्ट्रेशन इससे हो जाएगी, चलते हैं पीएनएल अकाउंट पे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हम लोग क्लास 11 में पढ़ के आ चुके हैं, बट अप्रोप्रिएशन कहां से जुड़ गया। तो अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन करना, किसका, प्रॉफिट एंड लॉसेस का। अब प्रॉफिट एंड लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं किसके बीच में करेंगे, पार्टनर्स के बीच में करेंगे। अब आप सोचेंगे कि मैम हमने तो क्लास 11 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी पढ़ लिया है। जी हाँ, मुझे भी पता है आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो आप लोगों को थोड़ा सा याद होना भी चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड है। अगर आपको पिछला याद नहीं है तो प्लीज क्लास 11 की बुक खोल लें, वहां पर आपको पीएनएल का मिल जाएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है, आपने किसी को दे दी है, ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट्स दे देते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेलीग्राम का काम आएगा, ज्वाइन करो, वहां पे आपको क्लास 11 के नोट्स मिलेंगे, वहां पे आपको पीएनएल का फॉर्मेट मिल जाएगा। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है बेसिकली वो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पीएनएल जो था वो जो हमने पहले पढ़ा था वो था सोल प्रोप्राइटरशिप का, यानी एक सिंगल इंडिविजुअल, यानी एक अकेला मालिक जब बिजनेस चलाता था तो जितना प्रॉफिट होता वो अपना उसका प्रॉफिट होता था सारा का सारा। लेकिन अब बात है अप्रोप्रिएशन, या तो पार्टनर है, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी, कितने भी पार्टनर हो सकते हैं, तो प्रॉफिट एक जना नहीं बोल सकता कि सारा प्रॉफिट मेरा, वो सारा प्रॉफिट क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अलग से अकाउंट बनाया जा रहा है जो कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। पीएनएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ही वाला अकाउंट बनता है। आपको बस क्या याद रखना है, मैं छोटी सी ट्रिक बताऊंगी, ये फॉर्मेट तो आपकी बुक में भी बना हुआ है, आपको ट्रिक क्या देखनी है वो जानूं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो था उसके अंदर जितनी भी चीजें आती हैं, मतलब कि जितने भी खर्चे हैं उसको आप डेबिट करते थे और क्रेडिट क्या करते थे, अपनी इनकम एंड गेन्स को, क्योंकि वो भी एक नॉमिनल अकाउंट था पीएनएल। और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, बेसिकली डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी डेबिट आपको खर्चे और नुकसान को डेबिट करो और क्रेडिट कर दो इनकम एंड गेन्स को। लेकिन किसकी, हम यहाँ पे किसकी बना रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ दो ही चीजें बात हो रही है, या तो हम इतने टाइम से क्या समझ रहे हैं, फर्म समझ रहे हैं और पार्टनर समझ रहे हैं, यानी दो ही लोग आ रहे हैं इसके अंदर और कोई तीसरा पर्सन ही नहीं है, मतलब दो जने हैं वो मिलकर पार्टी कर रहे हैं। एक बार फर्म को फायदा हो जाता है तो एक बार पार्टनर को फायदा होता है, दोनों में से एक को फायदा होता है एक को नुकसान होता है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि फर्म और पार्टनर दोनों ही जिगरी दोस्त हैं, एक बार उसको फायदा होता है एक बार उसको फायदा होता है। इस तरीके से आप याद रखेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाहिर सी बात है हर एक चीज जो होती है वो कहीं ना कहीं फर्म को सोच के करनी है। फर्म को सोच के इसलिए करनी है क्योंकि ट्रिक क्या है कि फर्म का जो भी खर्चा होगा वो डेबिट में चला जाएगा और फर्म का जो फायदा होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। अब सुनो, पार्टनर जब होते हैं तो उनको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, पहले तो ये सुनो। सैलरी मिलेगी, पता है ना आप लोगों को, सैलरी हो गई, कोई कमीशन मिल रही है या फिर कोई कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर उसको ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट देना हो रहा है। तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है। तो अगर आपको इतना बड़ा फॉर्मेट याद नहीं होता तो आप ये याद रख सकते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो नॉमिनल है और नॉमिनल के
क्या रूल्स होते हैं कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी डेबिट करना है सारे खर्चे और लॉसेस को, यानी नुकसान को डेबिट कर दो और क्रेडिट किसको कर दो, अपनी सारी इनकम्स को क्रेडिट कर दो। तो ये रूल लगाना है, लेकिन किसका, फर्म का। अगर फर्म का खर्चा है और फर्म का नुकसान है तो उसको आप डेबिट कर दें, और अगर जो फर्म का फायदा है उसको आप क्रेडिट कर दें। बस इतना सा रूल आपको याद रखना है और आपका ये पूरी की पूरी एंट्रीज भी हो जाएगी और सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप, मैं अभी आपको एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कराऊंगी, अगर आप चाहते हैं कि और भी क्वेश्चंस मैं करा दूंगी, बट अगर आप सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो इसमें तो बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है। फॉर्मेट आप देख ही सकते हैं, रूल अगर आप समझ गए तो आपको फिर बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। देखो पर्टिकुलर अमाउंट आ रहा है यहाँ पर, उसके बाद टू पीरियड अकाउंट आ रहे हैं। सबसे पहले, इससे पहले हम कौन सा अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, जो भी क्लास 11 में हम सीख कर आए हैं। तो वो तो अभी आपके पेपर्स में नहीं आएगा, बट आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो होगा वो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। तो ज्यादातर तो नेट प्रॉफिट ही गिवन होता है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे नेट लॉस आएगा वो वाला बैलेंस, जो पीएनएल में अगर नेट लॉस हुआ है तो इधर आ जाएगा डेबिट साइड, और अगर नेट प्रॉफिट हुआ होगा तो क्रेडिट साइड आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्रॉस होती है एंट्री, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद चलते हैं, अब हमारे को डेबिट क्या करना है, यानी फॉर्म का खर्चा कौन कौन सा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है, देखो कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है, और ये फॉर्म का क्या है, खर्चा है। कैसे खर्चा है, क्योंकि देखो पार्टनर्स ने फर्म के अंदर पैसा लगाया है, तो फर्म उनको बदले में इंटरेस्ट दे रही है उनकी कैपिटल पे, तो उसी को बोलते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितने पार्टनर होंगे उनको दे देंगे, जैसे मैंने सोनू और मोनू लिखा है, जितने भी पार्टनर होंगे अपने डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टू पार्टनर सैलरी, अगर कोई पार्टनर की सैलरी है या पार्टनर का कोई कमीशन है तो वो भी हम दे देंगे इनको। और ये डेबिट साइड क्यों आ रहा है आप लोगों को पता ही है, क्योंकि सारे के सारे एक्सपेंसेस यही लेते हैं। टू रिजर्व, इसको अलग से रखा जाता है ताकि फ्यूचर में कभी काम आ सके पैसा। और उसके बाद टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, जो भी पार्टनर्स उनके बीच में अगर प्रॉफिट हुआ तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और क्रेडिट साइड में क्या आएगा, क्रेडिट साइड में हम लोगों का सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट आएगा अगर क्वेश्चन में गिवन है तो, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब यहाँ क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगी। फर्म के खर्चे नुकसान तो हमने डेबिट कर दिए, लेकिन जो फर्म का फायदा है वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, यानी ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट मिलेगा। किसको मिलेगा, फर्म को। कैसे मिलेगा, जैसे आप समझिए ड्रॉइंग मतलब होता है पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालना, यानी अगर कोई पार्टनर जो है फर्म से पैसा निकाल रहा है बार बार, तो उसको फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो फर्म के लिए क्या है, ये बेनिफिट है, यानी फायदा है, इनकम है, तो क्रेडिट कर रहे हैं, इसीलिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जो भी पार्टनर निकालेगा उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स के, मतलब जो भी पार्टनर जैसे सोनू कैपिटल या करंट अकाउंट लिखकर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दोनों में से एक ही होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस। प्रॉफिट होगा तो इधर डेबिट साइड, और अगर लॉस है तो क्रेडिट साइड यहाँ आ जाएगा, और उसको बैलेंस कर देंगे। तो बस इतनी सी चीज थी जो मैंने आपको बता दी है, एक एक चीज बता दी है, फॉर्मेट भी समझा दिया अच्छे से। और अगर आपको फिर भी याद ना रहे तो आप ये चीज याद रख सकते हैं कि पार्टनर के बीच में और फर्म के बीच में, ये दोनों चीजों की ही बात हो रही है इस पूरे अकाउंट के अंदर। तो आपको बस एक ही चीज याद रखनी है, सबसे पहले कोई भी पार्टनर की कमीशन हो, सैलरी हो, या फिर कोई रिजर्व हो, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब कुछ डेबिट कर देना। सिर्फ और सिर्फ ड्रॉइंग्स जो होगा ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो आप प्लीज क्रेडिट कर दें। ये हमारा सिंपल रूल है, अगर आपको कुछ भी याद ना रहे तो ये, और हमने ट्रिक भी जान ली। तो रही बात अब हमारी ये समझने की, अब हम क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कराऊंगी अभी तो मैं, ताकि आप लोगों को सिंपल क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूंगी। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो अभी हम सिंपल क्वेश्चन करेंगे। बट मैं एक वीडियो और बनाऊंगी जो सिर्फ पीएनएल अप्रोप्रिएशन की होगी, जिसमें हर एक तरीके का क्वेश्चन मैं आपको एक या दो क्वेश्चन के अंदर सारे टाइप के क्वेश्चन कवर कर लूंगी। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, जब मैं बनाऊंगी तो आप देख पाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अभी हमने फॉर्मेट समझा, बट अगर आप क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो आपको कुछ चीजें ऐसी भी मिल जाएंगी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की होंगी। तो आपको क्या करना है, तो वो आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर नहीं लिखनी है, आपको नेट प्रॉफिट में एडजस्ट करनी है, यानी नेट प्रॉफिट, यानी जो क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट होगा उसमें से आपको प्लस माइनस करनी है। यानी कि अगर एक्सपेंस होगा, यानी कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, तो उसको आप माइनस कर दें, और अगर आपकी इनकम है तो आप उसको प्लस कर दें। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है, एक्सपेंस को माइनस और इनकम को प्लस करना है। तो उसके ऊपर जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। अभी फिलहाल के लिए हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन को लिखा है,
आप लोगों को समझाने के लिए आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हैं, मतलब साइड में लिख सकते हैं, छोटा सा बॉक्स बना लिया, मेरे पास थोड़ा जगह कम थी तो मैंने मतलब इस तरीके से लिख दिया। आप एक छोटा सा बॉक्स बनाए, पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर पे, जब आपका पेपर हो तो आप लिख लें आपको क्या क्या चीजें गिवेन है। इससे क्या होता है क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले तो ए और बी दो पार्टनर है जिनकी कैपिटल बताई गई, एक ए ने कैपिटल लगाई है 1 लाख यानी 1 लाख रुपए और बी ने कैपिटल लगाई 60,000 यानी 60,000 रुपए लगाई है। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे बताया गया है कि नेट प्रॉफिट जो है वो 80,000 रुपीज आ रहा है, यानी नेट प्रॉफिट जो है वो 80,000 आ रहा है। वो कौन सा वाला है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल के आया है, ठीक है। तो यहाँ पे पीएनएल बनाया नहीं था, सिर्फ बता दिया गया कि नेट प्रॉफिट 80,000 है। सैलरी कितनी बताई गई है 3,000 रुपीज बताई गई है, जो कि किसको मिल रही है, बी को सैलरी मिल रही है 3,000 पर मंथ, ठीक है, पर मंथ सैलरी उसको 3,000 रुपीज मिल रही है। तो चलो अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले ये पर्टिकुलर अमाउंट फॉर्मेट आपके बिल्कुल सामने है। अब हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बाय नेट प्रॉफिट आया हुआ यहाँ पर क्लियर है, क्योंकि हमारी बाय नेट प्रॉफिट में ये तो मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को इतना तो पता ही है कि डेबिट साइड में 2 लगता है और हमारा क्रेडिट साइड में बाय लगता है, तो ये चीज तो मैं मान के चलूँ कि आप लोगों को आती ही है। तो बाय नेट प्रॉफिट कितना होगा 80,000, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन था और नेट प्रॉफिट आधा भी हमारा क्रेडिट साइड है तो हमने लिख दिया 80,000 रुपीज। नेक्स्ट फिर हम लोग चलते हैं डेबिट साइड में क्या लिखेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो देखो यहाँ पे एक चीज और गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है 6% के हिसाब से। तो 6% के हिसाब से जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो क्या करेंगे, उनकी कैपिटल पे 6% निकाल देंगे। तो मैं आपको निकालना सिखाती हूँ। सबसे पहले हम लोग ए का अगर निकालेंगे, वैसे तो मुझे पता है आप लोगों को आता है, बट जिनको नहीं आता उन लोगों के लिए मैं सिखा रही हूँ। जैसे ए की कैपिटल 1 लाख है, ओके, इसका 6% निकाल देंगे, और बी की कैपिटल कितनी है 60,000, इसका भी क्या करेंगे 6% निकाल देंगे। ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेंगे, आपका क्वेश्चन जो मर्जी हो जितना परसेंट बोलेंगे आप उतना परसेंट निकाल देंगे। तो जैसे 6% है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, आपका यहाँ पर बचा 1,000, यानी 1,000 को आप जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 6,000। तो 6,000 जो होगा बेसिकली आपका यहाँ पे ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया है। तो आपको वो पता है ना, यहाँ लिखते हैं और बी का लिख के फिर यहाँ लाइन खींचे टोटल करके लिखते हैं यहाँ पर अमाउंट के कॉलम में। ये चीज मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को क्लास 11 से क्लियर है। फिर आपका बी का जो कैपिटल थी वो थी 60,000 का 6% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 600 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं देन यू विल गेट 3600। तो 3600 जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका आ रहा है, बी का आ गया। दोनों को ऐड करेंगे यानी 6000 को 3600 को दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9600, यानी दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 9600। तो हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद एक चीज और बताई है ये हमारे क्वेश्चन के अंदर की बी को सैलरी भी दी जा रही है जो कि 3000 पर मंथ है, 3000 पर मंथ है। तो एक चीज आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान रखनी है कि हमेशा आपके जब भी क्वेश्चन के अंदर पर मंथ बोला हो तो आपको हमेशा पर एनम की निकालनी है, पूरे साल की निकालनी है, क्योंकि ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता है वो पूरे साल का बनता है, इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो पर मंथ, अब ज्यादातर बच्चे यही गलती कर देते हैं, बाकी सब कुछ एंट्री सही कर देते हैं लेकिन जहां पर सैलरी हो या फिर कोई कमीशन हो तो वो पर मंथ लिखी होगी। तो आपको क्या करना है, हमेशा पर मंथ से पर एनम पे कैलकुलेट करना है, जो कि आपको करना क्या होता है 12 से मल्टीप्लाई करना है। अगर एक महीने की दी है तो आप 12 से मल्टीप्लाई करते पूरे साल की निकल जाएगी, अगर 3 महीने की दी है तो भी आप 12 की निकाल लें, 6 महीने की दिया तो भी आप 12 की निकाल लें, तो पूरे साल की निकालें और फिर उसके बाद लिखें। तो देखो 3000 रुपीज पर मंथ थी तो 3000 को मैं अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा 36,000 आ जाएगा, यानी पूरे साल की सैलरी कितनी है बी की 36,000 है। आई होप आपको क्लियर है। अब हमने सारी चीजें पुट कर दी हैं अपने फॉर्मेट के अंदर, 80,000 हमारे को नेट प्रॉफिट भी था, हमने इंटरेस्ट और कैपिटल भी निकाल लिया, बी की सैलरी भी डाल दी, सब कुछ डाल दिया। अब क्या करते हैं, अब हम लोगों को टोटलिंग करनी है। तो सबसे पहले टोटलिंग करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट का देखते हैं कि दोनों में से कौन सी साइड ज्यादा है। तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्यों, क्योंकि ये 80,000 है और इन दोनों को अगर हम टोटल करते हैं 36,000 को और 9600 को जब हम टोटल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, निकल के हम करके देख लेते हैं।
36,000 में अगर 9600 ऐड कर देंगे तो 0 का 0 6 हो जाएगा, 9 और 6 कितने हो जाएंगे 15 प्लस 4560 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये 4560 हमारा क्या आया, इन दोनों को टोटल कर दिया है। ये चीज आप क्लास 11 में सीख चुके हैं, बट स्टिल मैं फिर भी बता रही हूँ कौन सा क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। तो इसको टोटल कर दिया और यहाँ पे बैलेंस कितना आ रहा है 80,000 का। तो 80,000 में से अगर आप 4560 को माइनस करेंगे देन यू विल गेट, आपको क्या मिलेगा 344400 आपको मिल जाएगा, यानी कि 34,400 आपको बैलेंस मिलेगा। और यहाँ पर जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो बिल्कुल इक्वल है, तो दोनों के बीच में जो प्रॉफिट होगा वो बराबर बराबर बटेगा। तो करना क्या होता है, बराबर बांटने के लिए 34400 को 2 से डिवाइड दे दे, दोनों का निकल जाएगा कि दोनों को कितना बटेगा, तो बटेगा 17200। तो ये दोनों को बट जाएगा, जब आप इन दोनों को प्लस भी करेंगे तो भी आपका आंसर कितना है 34। आई होप फ्रेंड आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा। मैं वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये और हर एक कॉन्सेप्ट आप तक अच्छे से क्लियर करना था मुझे। तो इसका जो बाकी का जो टॉपिक रह गया है वो मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस पूरे कॉन्सेप्ट को खत्म कर पाऊँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।